हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस जैसे कि बात कर रहे थे हम पैनल डिजाइन के थर्ड पार्ट है ये, तो इंपॉर्टेंट टर्म में आते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बताया था फ्यूज से रिलेटेड, और उसी का ये टॉपिक है। तो शायद छोटा वीडियो बने, मैं यहीं पे कवर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ही में आएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इलेमेंट। ठीक है, करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इलेमेंट, करंट की रेटिंग जो होती है फ्यूज इलेमेंट की, वो क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम करंट विच द फ्यूज इलेमेंट कैन नॉर्मली कैरी विदाउट ओवरहीटिंग और मेल्टिंग। देखो, करंट रेटिंग और फ्यूज इलेमेंट का मतलब ये होता है कि हम मैक्सिमम करंट जो फ्यूज में एलिमेंट में कैन नॉर्मली कैरी जो करते हैं, कैरी यानी कैरी मैंने कैरी हमें ले रहे हैं, ठीक है, कैरी विदाउट जो हम ले रहे हैं बिना ओवरहीटिंग के और बिना मेल्ट करे, बिना वो पिघले और बिना ओवरहीटिंग, यानी ज्यादा उसमें, यार देखो किसी भी चीज में ज्यादा वोल्ट आएगा तो वो हीट तो करेगा ना, फोन भी ज्यादा देर चलाओगे तो वो हीट तो करेगा ना। तो सिंपल सा इतना समझ जाओ कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज इतना। फ्यूजिंग एलिमेंट, अब देखो गाइस फ्यूजिंग करंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक, पहला तो समझ में आ गया फ्यूजिंग करंट ये दिख रहा है ना सेकंड में। इट इज ए मिनिमम करंट एट विच द फ्यूज ऑफ एलिमेंट मेल्ट, यानी ये मिनिमम करंट होता है, कम से कम करंट एट विच द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट। फ्यूजिंग करंट का ही मतलब ये होता है कि मिनिमम करंट जहां पे ये मेल्ट कर जाए, ठीक है गाइस। अब आते हैं फ्यूज लॉ। फ्यूज लॉ क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ फ्यूजिंग करंट, जो भी फ्यूजिंग करंट है ना उसका स्क्वायर, ठीक है, आई से कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू में के कॉन्स्टेंट है, इनटू क्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर, डी, डायमीटर को डी से करते हैं तो क्यूब ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर वेयर के इज फ्यूज कॉन्स्टेंट। के कॉन्स्टेंट है लेकिन फ्यूज का, ठीक है। अब देखो गाइस, जैसे मैंने बताया था एस नंबर क्या आ गया, चार हो गया, मटेरियल हो गया, मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं फ्यूज में, कॉपर एल्यूमिनियम टीन लेड, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ के, वही बताया ना फ्यूज कॉन्स्टेंट, डी इन सेंटीमीटर, ये डी है, डायमीटर है, इन सेंटीमीटर में है, ठीक है, 2500, 1800, 405, 340, वैल्यू ऑफ के डी इज मिलीमीटर, ये 80, 59, 12 और 10 ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ डायमीटर इन मिलीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, इसी चीज को। तो आपको कभी भी वो थिन वायर के बारे में एमएम में पूछे तो आप, ज्यादा मेटल नहीं यूज हो रहा, ज्यादा मेटल इसमें यूज नहीं हो रहा जो उसकी बात करी गई है, लेकिन देखो यहाँ पे उसका एमएम और सेंटीमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, निकला पड़ा है। और कभी भी जब आप काम करोगे ना उस चीज पे तो इतना ध्यान रखना, ये सब चीजें उसमें दी गई थी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये यहीं पे खत्म करते हैं, क्या था, रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट, मिनिमम करंट जब हमारा नॉर्मली विदाउट हीटिंग के वजह से जो और मेल्टिंग से हो वो चीज को बोलते हैं फ्यूजिंग, क्या बोलते हैं, विद द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट, ठीक है, यानी फ्यूज एलिमेंट मेल्ट मिनिमम से मिनिमम में, और इसका फॉर्मूला स्क्वायर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू में के इंटू क्यूब ऑफ डायमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।